जय हिंद दोस्तों, मैं यश तोमर और आप जुड़े हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल से सीआरपीएफ सदा जय। चलिए आज हम बात करेंगे कुछ खास और अहम जानकारी की। एक्चुअली आप में से कई जवानों की, कई लड़कों की लगातार हमारे पास कमेंट आ रही है कि सर फिजिकल वर्क अगर हम ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद अगर कोई फिजिकल वर्क होता है तो उसमें अगर कोई चोट लग जाती है या कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या सीआरपी से निकाल देंगे या दोबारा से मेडिकल होगा तो किस तरह का होगा। तो चलिए आज हम इस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप जब 20-21 साल तक वेट किए हैं फोर्स में आने के लिए, इंतजार किए हैं, अपना टाइम दिए हैं, तो 10-15 मिनट आप वीडियो को देखने के लिए भी टाइम दें, आप स्किप करके निकाल देते हो। मैं जिस मुद्दे पे बात करता हूँ वो मुद्दा मैं अपनी तरफ से लगभग क्लियर कर देता हूँ, बट आप लोग उसे स्किप करके देखते हो तो फिर उसी जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमने बात की है आप वही कमेंट में पूछते हो। अब मैं ऑन ड्यूटी रहता हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम आपके हर कमेंट का जवाब दे सकें, और वो भी उसका कि जो कि हम आपको वीडियो के थ्रू बता भी रहे हैं बट आप उसे स्किप करके देखते हो, पता नहीं कैसे देखते हो, तो आप फिर भी वही बात मुझसे पूछते हो जो बात मैं बता चुका होता हूँ। आप उसे पूरा देखें। मैं किसी एक चैप्टर को लेता हूँ तो मैं उस चैप्टर को अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मैं पूरा कंप्लीट ही कर दूँ। तो मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि ये कमाई का मेरे लिए कोई साधन हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना पूरा फोकस ड्यूटी पर ही रखते हैं, लेकिन फ्री टाइम कभी मिल जाता है तो आप लोगों के लिए बना देते हैं। अभी हम 4-8 दिन से फ्री चल रहा है इसलिए लगातार एक एक दो दो वीडियो बन रहा है, अदरवाइज 10-10, 15-15 दिन तक कोई वीडियो नहीं आ पाता है और आपकी कमेंट का भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है, कहीं ड्यूटी में ऐसे फंस जाते हैं। तो अभी तो 2-4-10 दिन से फ्री चल रहा हूँ इसलिए हो रहा है। चलिए तो आज हम आपको बताएंगे कि सीआरपीएफ में एक बार मेडिकल आपका हो चुका है तो दोबारा मेडिकल कैसे होगा, आज इस बात पे चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, दूसरी चर्चा करेंगे इसी में कि अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद अगर आपको कहीं इंजुरी हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है तो क्या होगा, ये दो बात आज हम आपकी क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोबरा की ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, उसकी भी लगातार कमेंट आ रहे हैं कोबरा वैकेंसी किस तरह निकलती है। तो चलिए आज की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका जो मेडिकल हुआ है जिस भी डॉक्टर ने और जिस भी सेंटर में किया है वो अपने आप में एक बोर्ड है, यानी कि कोई पर्सनल नहीं है, एक पूरे बोर्ड ने आपका मेडिकल किया है। तो आप ये जान लें कि जब बोर्ड ने आपको एक बार पास कर दिया है तो दोबारा से आपके फेल होने के चांसेस नहीं है कि कोई दोबारा से आपको फेल करके निकाल देगा। बट मेडिकल दोबारा से इसलिए लेते हैं नॉर्मल कि हो सकता है जब आपका मेडिकल हुआ था उस समय आप हाथ पैर से सब तरह से ठीक थे, लेकिन तब से लेकर के आपके ज्वाइनिंग के बीच का जो टाइम आपने घर पे स्पेंड किया है उसके दौरान क्रिकेट खेलने में या बाइक चलाने में या किसी और वजह से आपको कहीं इंजरी हो गई है तो आप एक तरह से अनफिट ही हैं, तो इसलिए दोबारा से मेडिकल होगा। पर वो मेडिकल आपको सिर्फ इसलिए है जो आपको चेक करेगा कि आपके हाथ पैर उंगली सब कुछ ठीक ठाक है, सही सलामत है, ना कि इसलिए कि अब वो आपका मेडिकल कर रहा है। वो केवल चेकअप होगा, मेडिकल तो होगा बट वो केवल चेकअप के पर्पज से होगा, आपको फेल पास करने के चेकअप से मतलब से नहीं। यानी कि तब अगर आपने आपकी आई साइड वीक थी, आपकी 6x6 ना हो गई 6x12 थी और आप उस समय पास हो चुके हैं तो अब आप पास ही हैं, अब आपसे दोबारा से कोई आपको फेल नहीं करेगा। आप मेरे बात का मतलब समझिए, उस समय अगर आप पास थे तो इस समय भी आप पास होंगे, बशर्ते आपको जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी उंगलियां टूट गई हो, कट गई हो, कहीं टांके आए हों, कहीं हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो, पैर में फ्रैक्चर हो गया हो, सिर में कुछ हो, कान में चोट लगी हो, दांत टूट चुके हों, नाक टूट चुकी हो, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया हो। क्योंकि घर पे जो बंदा इतने देर रहा है मेडिकल से होने के बाद से लेकर के और आपकी ज्वाइनिंग जब होगी तब तक के बीच में, तो ये आपका एक नॉर्मली एक मेडिकल होगा, लेकिन वो मेडिकल केवल ओनली फॉर चेकअप,
आपका कोई ऐसे फिजिकली मेडिकल नहीं है कि वो आपका दोबारा से मेडिकल ये सोच के करें कि पता नहीं इसकी आंख पहले कैसी थी, लाओ दोबारा चेक कर लें, या आपके कपड़े उतरवा के इस तरह से चेक करें कि पता नहीं पहले मैंने नहीं चेक किया। पहले जो हो गया है वो बोर्ड ने आपको पास कर दिया है, अब आपका सीधा ज्वाइन होगा। अब आपको जो देखा जाएगा वो वर्बली देखा जाएगा कि आपके हाथ पैर नाक कान यानी होल बॉडी पूरी बॉडी आपकी सही सलामत है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोट लग गई हो, कहीं क्रैक हो गया हो, टूट गया हो, इस तरह का चेकअप होगा। तो उसमें आप ये ना घबराएं कि मेरा पहले ऐसे था, कहीं दोबारा से निकाल दें, दोबारा निकालने वाला काम नहीं है। हाँ, कोई ऐसी चोट जो पहले से जैसे आपकी हाथ में चार ही उंगली थी या एक उंगली बिल्कुल काम ही है टूटी हुई थी, ऐसा कुछ है तो वो अलग बात हो जाएगी, वो उस समय छूट गई तो वो नजर में आ जाएगा, बट आपको इस तरह से कोई नहीं देखेगा कि आपका दोबारा से आपको देखे कि आपके पैर तो नहीं मिल रहा है, आपका फ्लैट पैर तो नहीं है, आपके घुटने तो नहीं टकरा रहा, इस तरह का नहीं। आपको देखा जाएगा कि आपके हाथ पैर ठीक ठाक है, सिर ठीक है, आंख नाक कान ठीक है, कहीं कोई ऐसी चोट तो नहीं है जो इस दौरान का घर पे रहने से चोट लग गई हो, इस तरह का देखा। ये तो रही यहाँ की बात। इसके बाद जब आप सीआरपी में चले जाते हैं या किसी भी फोर्स में, सीआरपी नहीं पैरामिलिट्री के, आप सीआरपी बीएसएफ आईटीबी बीएसएसबी सीआईएसएफ किसी में भी चले जाते हैं तो भी साल में एक बार प्रॉपर मेडिकल होगा। जैसे कि अभी आपका रिक्रूटमेंट हुआ है कपड़े उतार के जो हुआ है, सेम नेक्स्ट मेडिकल आपका हर साल एक बार हुआ करेगा, पूरी जब भी जब तक आप सर्विस करेंगे तब तक। बट कभी भी आपको फेल नहीं, घर नहीं भेजा जाएगा कि आपको घर भेज दिया। एक बार आप पास हो गए अब आपको दोबारा घर नहीं भेजा जाएगा। अब आपका जैसे ही आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लिए, सीआरपीएफ को ज्वाइन करने के बाद या आपने सीआरपी बीएसएफ किसी को भी ज्वाइन कर लिया, चूंकि मैं सीआरपी का हूँ इसलिए बार बार मुझसे सीआरपीएफ निकलता है, तो एक बार अगर आपने सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लिया तो हर साल एक बार मेडिकल होगा। उसमें अगर कहीं आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आपका ट्रीटमेंट होगा, आपको ऐसा नहीं कि आपको घर भगा दिया, ऐसा नहीं, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। इतना ध्यान रखें कि कभी भी कोई चोट घर की एक्सेप्ट नहीं होती है फोर्स में। फोर्स की चोट अगर आपको फोर्स में लगी है, फोर्स में आपको गोली भी लगी है, फोर्स में आप ड्यूटी करते करते गिर गए, फोर्स में आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, फोर्स को एक्सेप्ट होगा। बट अगर आपको कोई चोट घर पे लग जाती, यानी आप घर पे आए छुट्टी आए और घर पे आके आपको कहीं चोट लग गई, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ का एक लड़का था जो तुरंत भर्ती हुआ था, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद घर आया और बाइक से वो कहीं जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो उसे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ भी नहीं मिला। अगर यही एक्सीडेंट उसका फोर्स में हुआ होता तो 20 साल लगातार उसके घर वालों को पूरी की पूरी सैलरी मिलती और जो बेनिफिट्स थे वो सारे बेनिफिट मिलते, लेकिन घर में कुछ नहीं मिला। इसी तरह घर में अगर वहां मलेरिया भी हो जाता है, मलेरिया से भी डेथ में हो जाती है सीआरपीएफ में जाने के बाद, तो आपको 40 से 50 लाख मिलेगा। लेकिन वही मलेरिया आपको घर पे हो जाता है, घर पे खुदा ना खास्ता अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल आपका जमा होगा 10-5-20 हजार जो भी आपका जमा होगा वही मिलेगा, सीआरपी अपनी तरफ से बेनिफिट नहीं देगी। घर के बेनिफिट और ऑन ड्यूटी के बेनिफिट में फर्क है। इसी तरह मेडिकल की भी बात है कि मेडिकल आपका हर साल होगा, मेरा भी हो रहा है, हर साल हो रहा है, सबका हो रहा है, मेरा ही नहीं सबका हो रहा है, चाहे वो ट्रेडमैन है, चाहे जीडी में है, चाहे वो किसी भी रैंक में, चाहे वो कमांडेंट है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो वाटर कैरियर है, चाहे कुक है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे सिपाही है, हवलदार है, सबका मेडिकल साल में एक बार होता है प्रॉपर। जो अभी आपसे एक आंख से बंद करके पढ़वाया गया होगा वो हर साल चलेगा, हाइट नपेगी, चेस्ट नपेगा, सारी बीमारियां चेक की जाएंगी, कहीं कोई शुगर तो नहीं है, बीपी हाई तो नहीं है, बीपी लो तो नहीं है, आंख नाक कान दांत उंगली हाथ पैर सब कुछ देखा जाएगा। ये इसीलिए होता है साल दर साल साल में एक बार मेडिकल, के कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कुछ होती है तो वो उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स से निकाल दिया, फोर्स से नहीं निकालेंगे, आपका ट्रीटमेंट चलेगा सीआरपी के सीआरपी में ही चलेगा। हाँ ये है कहीं कहीं प्रमोशन रोक दिए जाते हैं फोर्स में, अभी आप नहीं समझेंगे, सेप वन रहना जरूरी है, सेप वन यानी कि मेडिकल की एक नंबर कैटेगरी, इसके अलावा भी सेप टू सेप थ्री सेप फोर सेप फाइव भी होती है, मेडिकल की 2 नंबर कैटेगरी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कैटेगरी, तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। आपको अगर प्रमोशन लेना पड़ेगा तो आपको सेप वन रहना जरूरी है, और अमूमन 95% लोग सेप वन ही रहते हैं,
ओवरवेट हो जाओगे, शेप टू हो जाओगे, या अंडरवेट हो जाओगे, तो अंडरवेट तो कोई होता ही नहीं है, या कोई हाथ पैर टूट गया, आंख खराब हो गई, तो आपको शेप टू कर दिया जाएगा। शेप टू का मतलब है शेप टू शेप थ्री कर दिया जाएगा, यानी कि आपको सैलरी मिलेगी, आपको फोर से कोई निकालेगा नहीं, बट प्रमोशन नहीं मिलेंगे आपको। आप जिस रैंक में हैं लगातार उसी रैंक में रहेंगे जब तक कि आप शेप वन नहीं हो जाते। इसलिए ज्यादा जरूरी होता है अपने शरीर को फिट रखना फोर्स में, कि अगर आपको लगातार प्रमोशन लेने हैं, लगातार आपको तरक्की करनी है, तो उसके लिए आपको शेप वन मेडिकल से फिट रहना जरूरी है। तो इसके लिए सारी चीज जरूरी है। मेडिकल में फिट रहने के लिए आपको ट्रेनिंग में भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग में कहीं कोई आपको ऐसी चोट ना लग जाए। ये इसलिए नहीं कि आपको कोई घर भगा देगा, घर नहीं भगाएगा आपको। ट्रेनिंग में मान लो कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, या कोई और हो जाती है, कोई दूसरी दिक्कत हो जाती है, और आप आपको दिक्कत आने लगती है, कहीं कोई फायर हो रहा है, ऊपर से गिर पड़े, आपकी एक आंख चली गई, आंख की रोशनी चली गई, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, कमर में, रीढ़ की हड्डी में। मेरे साथ का एक लड़का जो हवाई जहाज से होते हैं ना स्लेजरिंग, तो हवाई जहाज नहीं था, तो 30-40 फुट से रस्से से पकड़ के आ रहा था, तो वो रस्सा हाथ से फिसल गया, मतलब पकड़ गया नीचे, एकदम धम से नीचे गिरा वो। तो मेरे साथ का ही, मेरे बैच में 2013 की बात है, सब इंस्पेक्टर की वो चल रही थी ट्रेनिंग, तो उसमें गिरा, तो जैसे ही नीचे पैर गिरे उसकी रीढ़ की हड्डी पीछे की टूट गई। तो अभी भी वो शायद जगदलपुर हॉस्पिटल में, अब तो नहीं, पिछले 2 साल से तो मेरा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो 3-4 साल तक जगदलपुर हॉस्पिटल में रहा। अब उससे क्या हुआ, सीआरपी ने निकाला नहीं, बट अब उसे सब इंस्पेक्टर रैंक का प्रमोशन नहीं मिला। वो तब मिलेगा जब उसकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो सेम यही फॉर्मूला आपके लिए है। आप 11 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बीच में अगर आपको कोई इंजरी नहीं हुई तो आप जल्दी से अपनी कसम खाएंगे, जैसे पासिंग आउट परेड बोलते हैं, पासिंग आउट परेड होगी, आप चले जाएंगे अपनी अपनी यूनिटों में, और आपकी उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग और सारी गिनती होने लगेगी। अगर आपको कहीं चोट लग गई तो आपको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग से रिड्यूस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और आपको बैक कर दिया जाएगा। फिर आपका ट्रीटमेंट 1 साल 2 साल 3 साल जब तक कि आप फिट नहीं हो जाए तब तक ट्रीटमेंट चलेगा, और ट्रीटमेंट के बाद दोबारा फिर आपको उतनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और पूरी ट्रेनिंग के बाद तब आप कॉन्स्टेबल माने जाएंगे। तो इतना नुकसान किस चीज का होगा आपका, एक तो फाइनेंशियल होगा, दूसरी वैसे शरीर की परेशानी रहेंगी, क्योंकि अगर 11 महीने की ट्रेनिंग में आपने लास्ट के 2 महीने पे भी जाके अगर आपको चोट लग जाती है, तो 2 महीने के लिए भी आपको ये पूरी 11 महीने की ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो आप ये समझ लें कि इसके लिए अच्छा है कि आपका पूरा टाइम जो ट्रेनिंग पीरियड का है वो आसानी से निकल जाए। कोशिश करें कि आप ट्रेनिंग में किसी भी प्रकार की आपको चोट ना लगे और ट्रेनिंग आपकी मिस ना हो, छुट्टी भी ना लें आप इमरजेंसी दिखा के। वैसे ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन 10 ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है हमारे सीआरपीएफ का, कि आप 10% तक मिस कर सकते हैं ट्रेनिंग को, चाहे वो छुट्टी लेके मिस कर लें, चाहे वो आप हॉस्पिटल में जाके मिस कर लें, चाहे आप किसी भी प्रकार से कट मार के मिस कर लें। आप बोल दें मैं बीमार हूँ, मैं सर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सिक रिपोर्ट जा रहा हूँ, सर मैं तो बीमार हूँ, तो आपकी वहां काउंटिंग होगी, आप पूरे शेड्यूल का 10%, यानी कि अगर आपको 100 दिन की ट्रेनिंग करनी है तो आप सिर्फ 10 दिन अब्सेंट रह सकते हैं। अगर 11 दिन भी आपका हो गया तो आपको लौट के वो 100 दिन की ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कितने वीक हो गए आपके, 44 वीक की ट्रेनिंग करनी है, तो 44 वीक में चूंकि ये बेसिक है, इसमें आप 10% बहुत कम, हालांकि आपको कोई देगा नहीं, लेकिन अगर आपको चोट वोट लग जाती है तो कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा कि आपको बिस्तर पर उठा के ले जाए, ट्रेनिंग तो करवा नहीं सकता है, छुट्टी नहीं देगा। लेकिन अगर चोट लग जाती है, अब मान लो आपकी 44 वीक की ट्रेनिंग में आपकी मान लो 36 वीक ट्रेनिंग हो गई या 25 वीक ट्रेनिंग हो गई, और तब आपको कहीं आपने ध्यान नहीं दिया, आपको इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो अब चोट लग जाएगी, तो वो 25 वीक की ट्रेनिंग भी आपको दोबारा से ही करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है आप अपने शरीर को बचा के रखें, कोशिश करें आपको किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। मैं फिजिकल कोर्स खुद कर रखा हूँ, मैं फिजिकल का ना केवल ट्रेनर बल्कि मैनेजर भी हूँ। मैं सिविल यूनिवर्सिटी, जो फिजिकल की ऑल इंडिया में मात्र 3 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक है LNIP, लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया की सबसे मानवी यूनिवर्सिटी है फिजिकल की। वहाँ फिजिकल ट्रेनर और फिजिकल मैनेजर बनाए जाते हैं, यानी कि सिखलाई के द्वारा। तो मैं वहाँ भी सीआरपी के थ्रू मुझे कोर्स कराया गया है, तो मैं एज ए फिजिकल मैनेजर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी
ट्रेनिंग के दौरान दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत अहम। पहला कि आप जब भी कोई शू पहनते हैं, पीटी शू पहनते हैं, तो कोई भी ब्रांड हो कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका सोल है वो कम से कम 1 इंच मोटा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा चोट हमें लगती है वो हमें नीचे से ही लगती है, पैर के नीचे से ही लगती है। तो आपका सोल है जो शू का वो मोटा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सबसे ज़्यादा अहम है कि इंडिविजुअल फिटनेस लेवल, इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबके बॉडी का फिटनेस लेवल अलग अलग होता है। आपकी रनिंग अच्छी होगी तो हो सकता है आपकी साइड जंप अच्छी ना हो, किसी दूसरे आपके साथी की साइड जंप अच्छी होगी हो सकता है उसकी रनिंग अच्छी ना हो, कोई पुशअप अच्छा मार लेता है तो कोई सेटअप अच्छा मार लेता है, कोई 100 मीटर का सूट अच्छा मार लेता है तो कोई 1600 मीटर की रनिंग अच्छा कर लेता है। तो ट्रेनिंग के दौरान आप कभी भी कंपटीशन होंगे आपके, हर वीक वाइज कंपटीशन होंगे, एक स्क्वाड का दूसरे स्क्वाड से, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से, कभी भी आप अपने को ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश ना करें कि आप ऑलराउंडर हैं। अगर आप प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको चोट लग जाए। आपसे जो हो रहा है आप वही करें, जो आपसे नहीं हो रहा है उसके लिए आप जबरदस्ती ना करें। आपसे पुशअप नहीं लग रहा है या आप पुशअप नहीं लग रहा है, आप ताकत लगा रहा है तो कहीं नस चली जाएगी, बैक बोन की चली जाएगी, कहीं मसल्स की, थाई मसल्स की चली जाएगी, या आपके हाथ की चली जाएगी, बाइसेप ट्राइसेप की चली जाएगी, क्वाड्रिसेप की चली जाएगी, तो ये आपको दिक्कतें देंगी। तो इसलिए इंडिविजुअल फिटनेस लेवल का ध्यान रखें, आपसे जो हो पा रहा है आप वही करें, किसी दूसरे को ना देखें, विशेषकर अपने बाजू वाले को ना देखें कि वो क्या अच्छा कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो अच्छा कर रहा है तो वो आप भी अच्छा कर लेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपसे हो पा रहा है वो कर लेगा, जरूरी नहीं है। फिजिकल में सबका अपना अपना फिटनेस लेवल होता है, मेरा फिटनेस लेवल है वो मैं करूंगा, आपका फिटनेस लेवल है वो आप करें। तो कभी भी अपने को ये प्रेजेंट करने की कोशिश ना करें कि मैं ऑलराउंडर हूं फिजिकल के मौके में। आपसे जो हो रहा है, जितना हो रहा है आप उतना करें। एक बार चोट लग गई तो आपको वो पूरी गिनती दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, जैसे घड़ी 12 से लेकर के गोल घूमती है। तो ये मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप कभी भी ऐसा ना करें। बाकी अगर अगर ऐसा हो भी जाता है, मान लो चोट लग भी जाती है, तो दिल में ये मलाल ना रखें कि मुझे CRP से निकाल दिया जाएगा, आपको निकाला नहीं जाएगा। बस ये है कि आपके साथ के जो आपके फ्रेंड भाई लोग हैं वो कसम खा के और POP पासिंग आउट से आप चले जाएंगे अपनी अपनी यूनिटों में, और आपको किसी ग्रुप सेंटर में डाल दिया जाएगा जहां आपका ट्रीटमेंट चलेगा, इलाज चलेगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल। जब आप ठीक हो जाएंगे तो दोबारा से फिर आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, और दोबारा ट्रेनिंग करा के आपको दोबारा से पूरा, तब आप CRP के कॉन्स्टेबल बनेंगे, यानी कि एक जवान बनेंगे। तो सिर्फ इतना ही नुकसान है, बाकी आपको घर कोई नहीं भेजेगा कि आपको चोट लग गई तो घर। तो मेरे कहने का मतलब, मैं शायद आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया मेडिकल का और ट्रेनिंग के दौरान, कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहें, आराम से नौकरी करें, और जब भी ज्वाइन होता है आप अपने आप का ध्यान रखें कि आपको इस तरह की कोई चोट ना लगने पाए। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें ट्रेनिंग के दौरान, और अपना फिजिकल का ध्यान रखें। ओके, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई जानकारी के साथ।